इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के हरेवली और गोगा के पास में, जो बवाना और मुनक नहर के बीच का जो ये एरिया है, मुनक और बवाना नहर के बीच में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। एक तरफ हरियाणा से लोग आते हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली से दूसरी गाड़ी लाकर उसमें चढ़कर इन्हें जाना पड़ता है। आपको बता दें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ से नहीं जाती थी, इस रास्ते से जो निजी वाहन थे, जो छोटी गाड़ियाँ थी, वो हरियाणा में प्रवेश कर सकती थी, हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन अब ये भी दो नहरों के बीच का जो रास्ता है ये भी बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस द्वारा इसे बंद किया गया है, क्योंकि किसान है वो इस रास्ते से अंदर ना आए, इस एहतियात को देखते हुए कि इस एरिया से अंदर आकर किसी तरह का दिल्ली में वो जाम आदि ना कर सके, तो इसको भी बंद कर दिया गया है। जो लोग दिल्ली में समझते थे कि वो मुनक नहर से, बवाना नहर से आकर के दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे, अब यहाँ से भी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर परेशान है, जो सिंघू बॉर्डर भी जाते हैं वो बंद मिलता है, लामपुर, टीकरी, सफियाबाद सब बॉर्डर्स बंद मिलते हैं। आखिरकार जब वो इन दो नहरों के बीच के रास्ते से आते हैं तो इन नहर के किनारे का जो रास्ता है, संकरा रास्ता है, निजी गाड़ियों की आवाजाही इस पर होती थी, वो भी अब नहीं चल पा रहा है रास्ता और बेहद परेशान है। हर इंसान यहाँ तक भी इस रास्ते से भी नहीं पहुँच सकता, लेकिन फिर भी मशक्कत करके जो लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं उन्हें वापस जाना पड़ता है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो NCR में बीमार है, जिन्हें जगत दिल्ली में इलाज करवाना है और दिल्ली से बाहर है, तो इलाज करवाने के लिए ऐसे शख्स भी यहाँ पर मिले हैं जो हरियाणा की तरफ से दूसरी गाड़ी लेकर के इस बॉर्डर तक पहुँचेंगे और यहाँ से दूसरी तरफ दिल्ली से एक गाड़ी आएगी और पैदल बॉर्डर पार करवा कर उस गाड़ी से वो उन्हें इलाज के लिए लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर लोग यहाँ पर बेहद परेशान है और अभी भी किसानों की समस्या का समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी लोग हैं जो दिल्ली से यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन ये रास्ता बंद होने के बाद उन्हें वापस जाना पड़ता है। अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV, दिल्ली।